नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं 15 अगस्त को रिलीज होने वाली मूवी गोल्ड के बारे में। आप सभी जानते हैं गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार हैं और टेलीविजन की सुपरस्टारा मौनी रॉय, कुणाल कपूर, अमित सद, विनीत सिंह, सन्नी कौशल एंड निकिता दत्ता भी हैं इस मूवी में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रीमा कागती ने, जिन्होंने तलाश डायरेक्ट किया था, और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि फरहान अख्तर की कंपनी। और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर दोनों। दोस्तों, ओवरऑल इस मूवी के 4 गाने हैं और एक दो गाने ऑलरेडी अच्छे बने हैं। मूवी का बजट, और अगर हम ध्यान दें तो अभी तक जो लगभग जो बजट दिखाया जा रहा है वो 80 से 90 करोड़ बताया जा रहा है। स्क्रीन काउंट अभी फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि इनके साथ सत्यमेव जयते जॉन अब्राहम की मूवी भी रिलीज हो रही है, तो टफ फाइट है अक्षय कुमार जी को, क्योंकि नॉर्मली अक्षय जी की मूवी सोलो रिलीज होती थी और इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनके फिक्स ऑडियंस हैं, इन्हें चाहने वाले फिक्स ऑडियंस हैं, चाहे कोई भी मूवी इनके सामने हो। तो अभी इनकी जो लास्ट मूवी आई थी पैडमैन, तो वो अभी टोटल इसका जो कलेक्शन हुआ था कुछ 85 crore था लाइफ टाइम, इन इंडिया नेट की बात कर रहा हूँ। और टॉयलेट एक प्रेम कथा का जो कलेक्शन था वो उनकी टॉप नंबर 1 कलेक्शन है इन इंडियन नेट ग्रॉस की बात अगर करें तो। इसका जो कलेक्शन था 139 crore था, और अगर हम इसकी बात करें गोल्ड मूवी के बज के हिसाब से तो इसका जो कलेक्शन होगा वो 150 crore का जरूर आना। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो अक्षय कुमार की ये मूवी अपने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रिकॉर्ड को भी जरूर तोड़ेगी। इनका वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस है अभी तक का हाईएस्ट है वो 214 crore का है, और मुझे लगता है गोल्ड मूवी इनको इस बार हाईएस्ट कर देगी। 231 crore ग्रॉस वर्ल्ड वाइड इनका आएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अभी भी 6 दिन बचे हैं मूवी को रिलीज होने में। आपको क्या लगता है, क्या अक्षय कुमार अपने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे कि नहीं, और इंडिया नेट का रिकॉर्ड भी? थैंक यू वेरी मच।